नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह आज राजधानी लखनऊ पहुंचे और बेरोजगारी के मुद्दे पर उन्होंने एक बुकलेट जारी किया। उन्होंने नोटबंदी, कोविड प्रबंधन, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, अपराध को लेकर बीजेपी संघ और पीएम मोदी और सीएम योगी पर बड़ा हमला बोला। दिग्विजय सिंह जारी तो कर रहे थे बेरोजगारी पर बुकलेट, लेकिन पहुंच गए भाजपा को घेरने। उन्होंने कोई मुद्दा भी बाकी नहीं छोड़ा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मोहन खट्टर जी, मोहन भागवत, पीएम मोदी, सीएम योगी, इन सब के ऊपर उन्होंने महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी को हाईलाइट किया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगभग अप्रासंगिक हो चुके दिग्विजय सिंह इन बयानों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस को कितना स्टैंड दिलवा पाएंगे, ये यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। इसके तहत पति और पत्नी के बीच एक सौदा होता है, यदि लोग इस विवाह संबंध कह सकते हैं। बात यह है कि आदित्यनाथ जी ने शादी की, ना मोहन भागवत जी ने शादी की, और मोदी जी ने करके छोड़ दिया। तो इसको परिवार चलाने के मामले में इनका कोई अनुभव ज्यादा नहीं है, और महिलाओं के प्रति जो अपमानजनक इनका जो वो है, वो मूल रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा का एक अंग है। का वाकई में हमारे एक पूर्वज नाथ संप्रदाय से जुड़ गए थे, तो जब भी मैं गोरखपुर गया हूं, गोरखनाथ मठ में जरूर गया हूं, लेकिन गुरु गोरखनाथ जी ने जो सामाजिक समरसता का एक उदाहरण पेश किया था, वो सामाजिक समरसता के सारे जो मुद्दे थे उन्होंने भुलाकर केवल 80-20 की बात करते हैं। हर बात में हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान, चाचा जान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। और नारियों के बारे में जो अपमानजनक उन्होंने जो बातें कही हैं उसकी हम निंदा करते हैं। सेवक संघ की मानसिकता से भाजपा की नीतियां बनती हैं, और यदि आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो महिलाओं के बारे में जो उनके बयान हैं, बाबा जी का बयान, यदि महिलाओं में पुरुषों के गुण आ जाते हैं तो वो राक्षस बन जाती हैं। ये आदित्यनाथ जी का बयान है।